लगा दिया है तो ये चंद्रमा क्या? संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलता। मेरी इस पीड़ा का संबंध है मेरे संबंधियों से, यदु वंश से। ये बांसुरी मुझे पीड़ा देती। त्रिश, मेरी शक्तियों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी होंगी। आज पीड़ा के प्रत्येक बंधन से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। आज मैं स्वयं में समाहित समस्त प्रेम के साथ सभी शक्तियों का आवाहन करती हूँ। आवाहन करती हूँ। यदि इस ब्रह्मांड को मेरे अलौकिक प्रेम पर विश्वास है तो सभी दिव्य शक्तियां आज मेरा सहयोग करेंगी। मुझे आप सभी की शक्तियों की आवश्यकता है। देव्य शक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। महादेव, राधा समस्त देवीय शक्तियों का आह्वान कर रही है। इन्हीं शक्तियों के एक साथ प्रभाव में आने से संसार में प्रलय आ सकती है। हाँ गौर, परंतु अब देखना ये कि क्या देवी राधा वो करेंगी जैसा श्री कृष्ण सोच रहे हैं। क्या देवी राधा अपने प्रेम में सभी सीमाएं लांघ जाएंगी? प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है, प्रलय बढ़ती जा रही। कुछ तो करना ही होगा। अब क्या नष्ट होगा और क्या शेष रहेगा इसका चयन केवल राधा करेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। हे पंच तत्व, अग्नि, वायु, वरुण, पृथ्वी, आकाश और चंद्रदेव, मैं आपसे भी सहायता मांगती हूँ। मुझे आवश्यकता है आपकी शक्ति की, कृष्ण की पीड़ा मिटाने में। उस कृष्ण की जिसने समय समय पे देवताओं के लिए अवतार दिए। समझने का प्रयास की। मुझे लगता है आपको इंद्रदेव को क्षमा कर देना चाहिए। वायुदेव, निस्वार्थ रूप से ब्रह्मांड का संचालन किया। कभी कभी प्रेम के लिए बिना परिणाम की चिंता के कर्म करने चाहिए। उनकी पीड़ा के अंत के लिए आवश्यकता है आपकी शक्ति की। यदि कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम सच्चा है तो आप सभी मेरी सहायता करेंगे। सूर्यदेव, अब आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। देवी राधा हमसे हमारी शक्तियां मांग रही है। अब हम सब क्या करेंगे सूर्यदेव? अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। सूर्यदेव, आप अपना अधिकतम ताप मुझे दीजिए जिसमें कृष्ण की पीड़ा जलकर भस्म हो जाए। इस संसार का आधार ही प्रेम है। देवी राधा ही प्रेम, उनके प्रति कृष्ण का प्रेम कितना सच्चा है इसका साक्षी तो सारा ब्रह्मांड है। हम उन्हें मना नहीं कर सकते, किंतु यदि हम सब कुछ राधा देवी को दे देंगे तो हम इस सृष्टि को शक्तियां प्रदान कैसे करेंगे?
मेरे पुत्र गणेश। महाराजा ने मुझे पुकारा। गणेश आज मुझे आपकी सहायता चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही सही, मुझे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दीजिए। राधा मेरी समस्त शक्तियां मांग रही है। हमारा कर्म चक्र रुक गया तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और इस संसार का भी सर्वनाश हो जाएगा महादेव। अब आप इस समस्या का कोई हल निकालिए। प्रेम की देवी को हम अपनी शक्तियां देने से कैसे मना कर सकते हैं? पिताश्री, महाराजा को रोक पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यदि महाराजा इसी प्रकार तपस्या करती रही तो मैं विवश होकर अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान करनी होंगी। यदि सभी देवताओं की शक्ति राधा को प्राप्त होगी तो कर्म चक्र का पलट जाना निश्चित है, नियति के नियमों का उल्लंघन होगा। इस विषय में मुझे स्वयं नियति के निर्माता से याचना करने के लिए जाना होगा। प्रणाम आराध्य। हे आराध्य, आपको देवी राधा को रोकना होगा, अन्यथा हम सभी देवताओं को विवश होगा। अपनी समस्त शक्तियां देवी राधा को सौंपनी है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर कृष्ण अवतार के अंत होने का समय आ रहा है और यह अंत पीड़ा से ही होगा। परंतु यदि देवी राधा ने उस पीड़ा का ही अंत कर दिया तो समय चक्र उलट जाएगा, तब सर्वनाश हो जाएगा। मैं जानता हूं आराध्य, फिर भी राधा को रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए आराध्य, ये सब प्रेम से ही संबंधित है। देवी राधा को अब केवल आपका प्रेम ही रोक सकता है। प्रेम ही है इस समस्या का हल, केवल प्रेम। उचित कहा आपने, राधा को रोकने का हर संभव प्रयास करूंगा आराध्य। सबको कृष्ण की पीड़ा से दुख नहीं होता क्या? आप चाहते हैं कि कृष्ण यूं ही दुख सहते रहे? यदि आप सब मेरा समर्थन करते हैं तो शीघ्र ही आप सभी को अपनी शक्तियां मुझे देनी होगी। महादेव, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं अपनी शक्ति देवी राधा को प्रदान करता हूं। महाराधा, मैं अपनी शक्तियां आपको प्रदान करना चाहता हूं। मैं भी अपनी शक्तियां राधा को प्रदान करूं। मैं भी अपनी समस्त शक्तियां देवी राधा को सौंपता।
आओ राधा। अब मुझे मत रोको कृष्ण। मैं जानता हूँ तुम मेरी पीड़ा का अंत करना चाहती हो राधे, किंतु स्वयं सोचो क्या यह संभव है? क्या तुम मेरे कर्म फल का अंत कर सकती हो? क्या उसे टाल सकती? क्या गांधारी के श्राप को टाल सकती? नहीं, उसका सामना तो मुझे आज न कल करना ही होगा राधे। आज तुम्हारे पास शक्तियां हैं, इस शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है तुम पर निर्भर करता है। कि अपनी शक्तियों का उपयोग करके मैं संसार के नियम तोड़ना चाहती, क्या ये कार्य तुम करना चाहती? शयन करो राधा, आज मेरी पीड़ा का अंत करने के लिए क्या तुम इस समस्त संसार का अंत करना चाहती? क्या इस समस्त संसार को पीड़ा तुम देना चाहती? तुम नियमों की बात करते हो, किंतु प्रेम का क्या? मेरा अस्तित्व तो प्रेम से ही है, मेरे कृष्ण से है। मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकती कृष्ण। मैं समझता हूँ राधे, ये भी समझता हूँ कि तुम्हारे इस हट को अब रोकना होगा। आज कृष्ण को भी तुम्हारा विरोध करना होगा राधे, और कोई विकल्प मेरे समक्ष शेष नहीं है। तो तुम जैसा चाहो वैसा करो कृष्ण। तुम्हारी पीड़ा के अंत के लिए मुझे तुम्हारा विरोध करना पड़े तो मैं सज्ज। विरोध में देख रहे और इस संघर्ष में देवी राधा की शक्तियों का अंत हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम इस संघर्ष में अपने सुदर्शन चक्र से मेरी सभी शक्तियों का अंत कर सकते हो, किंतु आज मुझे तुम्हारी पीड़ा के सिवा कोई भय नहीं लग रहा है कृष्ण। अब तुम जो चाहे वो करो कृष्ण, मैं नहीं रुकूंगी।